हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बेटों के विषय में बात करूँगी, बेटों के परवरिश के विषय में बात करूँगी। जैसे न्यूज़ चैनल में जब हम देखते हैं तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमारी बेटियों के साथ बहुत जघन्य अपराध होता है, जिसके बारे में अगर हम सोचे तो हमारा रूह तक कांप जाता है, रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। इतना जघन्य अपराध जो लोग ऐसा करते हैं, उनको क्या थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है? इतनी हैवानियत। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स हम लोग फेल हो रहे हैं अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए। फिर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी बार लड़कियों को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, इवन माता के मंदिर के अंदर भी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। काफ़ी तो लड़के, मतलब बॉयज़ ऐसे होते हैं अपने माता पिता के ऊपर हाथ तक उठा देते हैं। तो इन सब को देखकर लगता है कि एज अ पेरेंट्स हम लोग कहीं पर फेल हो रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाएं। तो आज मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो चीज़ है वो है घर का माहौल। घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का माहौल अगर अच्छा होता है तो ऑफकोर्स बच्चा भी मेंटली अच्छे से बड़ा हो सकता है, अच्छा चीज़ देखेगा, अच्छा सीखेगा। फिर माता पिता को रोल मॉडल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर माता पिता आपस में अगर लड़ाई करेंगे घर पे, तो ऑफकोर्स बच्चा वही सीखेगा। अगर माता पिता एक दूसरे को रेस्पेक्ट देके बात करेंगे, एक दूसरे को इज्जत देके बात करेंगे, तो छोटा बच्चा देखेगा, छोटा बच्चा वही सीखेगा अच्छा कि माता पिता इस तरह से बात किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर पिताजी अगर मम्मी को अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, गंदी तरीके से बात करेंगे, तो ऑफकोर्स छोटा बच्चा है वो वही सीखेगा, उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को सिखाए कि हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना है, बच्चे देखकर ही सीखते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है घर पर। फिर जैसे अगर घर पर आपके बुज़ुर्ग माता पिता है तो उनसे प्यार से बात कीजिए, रेस्पेक्ट दे के बात कीजिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो आप लोग को देखेगा, वो देख के वो सीखेगा और वो सेम चीज़ बच्चे कॉपी करते हैं। तो आज आप जैसा बिहेवियर अपने माता पिता के साथ करेंगे तो वो कल आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। तो बहुत ज़रूरी है रोल मॉडल बनने का, अच्छा चीज़ देखेगा बच्चा, अच्छा चीज़ सीखेगा। फिर देखिएगा आजकल का टाइम बहुत बिजी है, माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने बच्चे को अपना टाइम देना है। बच्चे को कभी नेगलेक्टेड फील नहीं होना है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप फ्री हो तो आप टाइम दो, अगर आपकी वाइफ फ्री है तो वाइफ टाइम दे, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा तो देखना रिलेशन ऐसा होगा, बॉन्डिंग होगा, बहुत ज़रूरी है। और एक फ्रेंडशिप का रिलेशन भी डेवलप होगा। आजकल का जो टाइम है फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप होना बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिएगा हम लोग अपने फ्रेंड के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, तो वही चीज़ अगर आपके साथ वो रिलेशन हुआ तो बच्चा हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। फिर देखिएगा एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, जब आपका बच्चा फर्स्ट दिन स्कूल जाता है, वो जब घर पे आता है आप पूछिए कि आपका आज दिन कैसा गया, आपने स्कूल में कोई बदमाशी तो नहीं की, आपने टिफ़िन खाया था। तो इस तरीके से आप एक दिन पूछिए, दो दिन पूछिए, आप देखिएगा 10-15 दिन बाद और आपको पूछना नहीं पड़ रहा है, आपका बेटा घर पे आएगा और बताएगा मम्मा आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया। तो बच्चे का ये एक आदत बन जाएगा। और आप देखिएगा बच्चा जब क्लास 10 में जा रहा है, 12th में जा रहा है, वो हर चीज़ आके आपको बता रहा है। इससे क्या होगा, आपको हर चीज़ पता रहेगा कि मेरे बच्चे के लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपके बीच में रिलेशन ऐसा है ही नहीं, अगर ऐसा रिलेशन है ही नहीं, अगर आप दूर दूर हो रहे हो,
तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी और ये जो रिलेशन है धीरे धीरे और दूर होता जाएगा। फिर और एक चीज़ है, छोटे से ही जैसे बच्चों के साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कीजिए, आप बताइए, पता है ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूँ, राय लीजिए, बच्चे को बताइए कि बच्चा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर अपनी चीज़ें शेयर कीजिएगा अपने बच्चे के साथ, आप देखिएगा बच्चा भी आपके साथ शेयर करेगा, बच्चा भी आपको बताएगा। तो देखना बच्चा अगर कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करता है, तो कुछ भी अगर शेयर करता है, तो आपको पेशेंटली उसको सुनना है, उसका हेल्प करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आप मान लीजिए उसका कुछ सुन के अगर आप मारिएगा डांटिएगा तो नेक्स्ट टाइम से वो शेयर नहीं करेगा। तो कैसा भी चीज़ अगर वो आपसे शेयर करता है, ठंडे दिमाग से आपको सुनना है, फिर आपको उसको जो भी है अगर सल्यूशन देना है तो सल्यूशन दीजिए, लेकिन सोच के, उसमें कोई मार या डांट नहीं होना चाहिए। फिर और एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा डांट या शासन दोनों ही ठीक नहीं है। बच्चे को प्यार और डांट दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्यार से आप बच्चे को अपने सिर में बिठा दे रहे हो और इतना ज़्यादा डांट रहे हो कि बच्चा डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है, फ्रीडम दीजिए, फ्रीडम की ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट में, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर छोटे से ही अपने जैसे बेटे को आप छोटे से ही सिखाइए कि आपको लड़कियों को इज़्ज़त देना है, गर्ल्स को इज़्ज़त देना है, बॉयज़ और गर्ल्स तो सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। ये छोटे से अपने बच्चे को सिखाइएगा, छोटे से सिखाइएगा, वो जितना सुनेगा उसके ही दिमाग में जाता रहेगा। फिर देखना अगर आपके घर पे बॉय और गर्ल अगर दोनों ही हैं, तो काफ़ी बार होता है कि अगर बॉय और गर्ल में मान लीजिए अगर लड़ाई हो रही है, तो अगर आप डांट रहे हैं आप दोनों को ही डांटिए, अगर समझा रहे दोनों को ही समझाइए। वहाँ पे ये फील नहीं होना चाहिए कि एक जन स्पेशल है एक जन ऐसा, मतलब दोनों के साथ सेम बिहेवियर आपको करना है। फिर आप देखते होंगे जैसे गर्ल्स होती है छोटे से घर पे कुछ ना कुछ हेल्प करती है मम्मा का, तो अगर आपके घर में बॉय गर्ल है या बॉय है तो आपको दोनों से ही काम करवाना है। अगर बॉय भी है उससे भी आप काम करवाइए, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी मत करना कि गर्ल काम कर रही है, बेटी काम कर रही है, बेटा जो है वो बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दोनों से काम कराइए, दोनों को पता होना चाहिए कि वी आर सेम, हमें कोई स्पेशल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और छोटे से अगर मान लीजिए आप बच्चे को बोल सकते हो बेटे को थोड़ा बिस्तर उठा दो, है ना, थोड़ा बेडशीट थोड़ा झाड़ दो, तो छोटा छोटा या प्लांट में पानी डाल दो थोड़ा सा, चलो मम्मा टेबल में खाना लेके आ रही है, आप थोड़ा प्लेट्स लगा दो, इस तरह का काम अगर आप कराते हो तो बच्चे छोटे से ही रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। क्योंकि आजकल देखिए जब एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं तो सारा काम बच्चे को खुद ही करना पड़ता है, तो एक आदत भी बनता है और बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। फिर देखिएगा छोटे से ही बच्चों को बैड टच गुड टच सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में। अपने बेटे को छोटे से सिखाइए कि कौन कौन से पार्ट प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट को हम किसी और का टच कर सकते हैं और कौन से पार्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं, ये आपको ही सिखाना है। उसको बताइए कि ये प्राइवेट पार्ट है, ना ही आप किसी और का टच कर सकते हो, ना ही कोई और आपके इस पार्ट को टच कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अपने बच्चे को सिखाना है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं सिखाइएगा बच्चे को कहाँ से पता चलेगा। फिर देखिएगा टीवी में इतने अच्छी अच्छी भगवत कथाएँ होती है, इतने महान हमारे संत है, बहुत सारे YouTube चैनल्स में भी है, अच्छे अच्छे संत के चैनल है। तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, जैसे भगवत कथा आप रोज़ सुबह थोड़े देर के लिए, हो सकता है आधे घंटे के लिए, आप चला के रख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बैठ के देखे, लेकिन वो अगर बच्चे के कान में जाता है तो बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। मुझे ऐसा लगता है भगवत कथा अगर कोई देखे वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता है, उसमें हर चीज़ आ जाता है, शेयरिंग, केयरिंग, बड़े को रेस्पेक्ट करना है, गरीबों की मदद करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, हर चीज़ भगवत कथा में आ जाती है। मान लीजिए अगर आपका बेटा अगर नहीं भी सुनता है तो आप उसको स्टोरी में सुना सकते हैं, जैसे खाना खाते समय, पता है आज मैंने ऐसा सुना। बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप इसमें प्लीज़ आप थोड़ा सा आप इसमें काम कीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के परवरिश के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिलती है।
फिर देखिएगा, जैसे आजकल हम सब मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, तो रात को भी सोते समय भी हमें मोबाइल चाहिए होता है, तो अभी मोबाइल को साइड में रखिए, अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी स्टोरी सुनाइए, जैसे राम जी की स्टोरी सुनाइए, जो श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता की उन्होंने इतनी सेवा की, श्रवण जी की स्टोरी सुनाइए। उसके बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, कितने मेहनत से हमारे देश को जो आज़ादी मिली है, कितने सेक्रीफाइस के वजह से हमें आज़ादी मिली है, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ आप स्टोरी सुनाइए, बताइए। भगत सिंह के बारे में बताइए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताइए, उनकी कुर्बानियों के बारे में बताइए कि ये जो आज़ादी मिली है कितने मुश्किलों से मिली है। तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के बारे में, बच्चों से आप बात कीजिए, मतलब छोटी छोटी जो छोटी छोटी इशू या जो चल रहा है हमारे देश में, वो सब टॉपिक्स से टॉपिक को लेके आप बात कीजिए अपने बच्चे के साथ। ये सब परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखना, सेक्स एजुकेशन आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने बच्चों के साथ खुल के इस विषय में बात करनी चाहिए, लेकिन अभी भी काफ़ी माता पिता है उनको हेजिटेशन होता है कि कैसे बात करें इस विषय में, लेकिन देखिए बात तो करना ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नहीं बात करते, देखिए आजकल के जो बच्चे हैं उनमें क्यूरियोसिटी रहती है इसको जानने के लिए, नॉर्मल चीज़ है ये, तो बच्चे आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, बच्चे इधर उधर से पता कर ही लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप खुल के अगर अपने बच्चे के साथ बात करते हैं तो आप सही इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, लेकिन बच्चे अगर इधर उधर से अगर जानते हैं तो काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी होता है। और आप देखिएगा, अगर आप इन सब विषय में अपने बच्चे के साथ बात कीजिएगा, आपका बॉन्डिंग एकदम ऐसा हो जाएगा, बहुत मजबूत होगा आपका रिलेशन। बोलते हैं ना, हम जितना बच्चे के साथ ओपनली बात करते हैं हमारा रिलेशन उतना ही मजबूत होता है। तो कुछ भी अगर होगा, बच्चा आपसे आके बोलेगा, बच्चा इधर उधर नहीं बताएगा या इधर उधर से ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन आजकल के टाइम में। फिर देखिए, टीवी, हम जो बच्चे के साथ टीवी देखते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए हम क्या देख रहे हैं। जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ नहीं देखनी चाहिए, जैसे कुछ क्राइम सीन्स, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को दिखाना ही नहीं चाहिए। बच्चा कहाँ से क्या सीख ले हमें पता नहीं है, तो बच्चों को हमेशा टीवी में अच्छी चीज़ें दिखाइए जिससे बच्चे का मूड फ्रेश हो जाए, ख़राब चीज़ें बच्चों को मत दिखाइए। फिर जैसे मोबाइल, आजकल जो है मोबाइल लगभग हर बच्चे के पास एक एज के बाद मोबाइल होता है, तो अगर आप मोबाइल देते हैं तो आपको ध्यान भी रखना है बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। देखिए, आप तभी पता कर सकते हो जब आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आप इजीली पता कर सकते हो, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ बात ही नहीं कर रहे हो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो टाइम स्पेंड कीजिए, हर चीज़ आपको पता रहेगा। फिर देखना, बच्चों का फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा किन बच्चों के संपर्क में आ रहा है। आप देखिएगा, एक स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, क्या पता शायद आप बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा जिस बच्चे के साथ मिल रहा है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो बहुत ज़रूरी है छोटे से ही अपने बच्चे से बात कीजिए, उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में आप पता करते रहिए कि वो कैसे बच्चों के साथ मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। अगर उस फ्रेंड सर्कल में अगर चार दोस्त खराब हो, तो आपका बेटा, आप देखना, अगर चार खराब के साथ एक है, तो धीरे धीरे जो अच्छा होता है वो भी खराब हो जाता है, उनकी आदत लग जाती है। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है यहाँ पर। फिर आजकल मैं देखती हूँ माता पिता के पास पैसा भी है, पॉकेट मनी देते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, लेकिन एक लिमिट में देना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो ज़रूरत का सामान है आप खुद पूरा कीजिए, है ना, जो चाहिए बच्चों के नीड्स खुद पूरा कीजिए, और पॉकेट मनी एक लिमिट में दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चे के पास बहुत पैसा आएगा तो उनके पास बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं, है ना, और अगर आप पैसा देते भी हैं तो शायद हम देखते नहीं कि बच्चा खर्चा कहाँ पर कर रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाएं। आप कैसे कर सकते हैं, कभी अनाथ आश्रम लेके चले जाइए, वृद्धाश्रम लेके चले जाइए, रेलवे स्टेशन में जो बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है वहाँ पे अपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चों के हाथ से खाना शेयर करवाइए,
तो अगर ये सब चीज़ अगर बच्चा छोटे से देखता है तो बच्चे में पैसे की वैल्यू पता होगी, बच्चा शायद ख़राब तरीके से पैसा खर्चा नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा एक हमें बच्चे को नहीं देना चाहिए, और जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ये सब भी हमें बच्चे को नहीं देना चाहिए एक एज तक, जब तक बच्चे को पैसे की वैल्यू ना हो तब तक। उसके बाद जो मदर्स है वो अपने बच्चों के साथ बात कर सकती है, बच्चे को बता सकती है कि एक लेडी कितने मुश्किलों से एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है। हम अपने बच्चे के साथ बात कर ही सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं कि एक माँ जो एक बेबी को लेके आती है कितने मुश्किलों से लेके आती है, ये इजी नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये सारा चीज़ अगर हम बच्चों के साथ बातें करें, ये सारी चीज़ें करें, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हमें अपने बच्चे को इस तरीके से परवरिश करनी है ताकि कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए बिलक बिलक के ना रोए, कोई भी माँ अपनी बेटी को उस कंडीशन में ना देखे जिसके बारे में शायद सुन के हमारी रूह कांप जाती है। कोई भी माँ ये सारी चीज़ें ना देखे। आप खुद सोचिए, अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा बुखार होता है या थोड़ा बीमार होता है तो हम लोग कितना डर जाते हैं। तो उस माँ के बारे में सोचिए जो अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखते होंगे। क्या ये भूल पाना ईजी है? कितना दर्द होता होगा अपनी बेटी को उस कंडीशन में देखने का। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को, अपने बेटे को अच्छा ह्यूमन बींग बनाइए, अच्छा परवरिश दीजिए, ताकि आपके बेटे के वजह से कभी किसी माँ के आँखों में आंसू ना आए, ताकि आप अपने बेटे के ऊपर प्राउड कर सको, बोल सको ये मेरा बेटा है। बहुत ज़रूरी है अपने बेटे को अच्छा परवरिश देना। जब ये सारा चीज़ें माता पिता टीवी में देखते हैं, वो भी अपनी बेटियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे मैं भी अगर थोड़ा लेट हो जाता है, मम्मी टेंशन, सबकी मम्मी टेंशन करती है कि बेटा ज़्यादा लेट मत करना। मैं सोचती हूँ, मैं सपना देखती हूँ कि कभी कभी तो ऐसा दिन आएगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा, उस सुनहरे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ शायद रात के 9 बजे भी आ रही है ना, तो माँ बोल रही है अरे काम पे गई है, आ जाएगी। वो डर नहीं होगा कि जैसे 6 बजेगा या 7 बजेगा, वो डर नहीं होगा कि मम्मी बार बार बाहर जा रही है, फ़ोन ट्राई कर रही है, कहा हो, क्यों लेट हो रहा है। सोचती हूँ कभी वो टाइम आएगा, उस सुनहरे भारत का सपना देखती हूँ कि वो टाइम आएगा जब लड़कियाँ भी आराम से 7 बजे 8 बजे 9 बजे घर आएगी बिना डरे। और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम अपने बेटों को अच्छी परवरिश दें, और ये हमें ही करना है। तो इसी के साथ मैं आज का ये यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।